सोलन में शहरी कांग्रेस ने कोरोना वायरस चिकित्सकों और पुलिस को सम्मानित करने का आयोजन किया। ये कार्यक्रम पूर्व शहरी कांग्रेस अध्यक्ष अंकुश सूद की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। इस मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए सोलन के क्षेत्रीय अस्पताल में अपनी सेवाएं दे रहे चिकित्सकों को फूल देकर उनका मनोबल बढ़ाने का प्रयास किया। जानकारी देते हुए पूर्व शहरी कांग्रेस अध्यक्ष अंकुश सूद ने कहा कि सोलन के क्षेत्रीय अस्पताल में चिकित्सक अपनी जान को जोखिम में डालकर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए आज उन्होंने स्थानीय विधायक धनराम शांडल के आदेश अनुसार सभी चिकित्सकों को पुष्पगुच्छ देकर उन्हें सम्मानित किया गया है। मैं ये बताना चाहूँगा कि शहरी कांग्रेस ने आज हमारे सोलन के जो लोकप्रिय विधायक कर्नल धनीराम शांडिल जी के आदेशानुसार आज जो है सोलन कोविड 19 में ड्यूटी पर जो डॉक्टर्स हैं उनको जाकर जो है पुष्पगुच्छ देकर जो है वो आभार व्यक्त किया है कांग्रेस पार्टी व सोलन की संपूर्ण जनता की तरफ से कि जो व्यवस्था और जो बेहतर तरीके से कोविड 19 से यहाँ का प्रशासन और अस्पताल डील कर रहा है वो सराहनीय है, जिसके लिए आज हम यहाँ पर आए और जितने भी डॉक्टर्स कोविड 19 में थे उन्हें हमने पुष्प देकर जो है अपना आभार व्यक्त किया है। साथ ही साथ जो 108 एम्बुलेंस के कर्मचारी हैं उनको भी हमने ये किया है और साथ ही साथ जो रेड क्रॉस के जो एम्बुलेंस के कर्मचारी हैं उनको भी हमने ये पुष्पगुच्छ देकर अपनी तरफ से आभार व्यक्त किया है। मैं बताना चाहूँगा कि शांडिल जी के ही आदेशानुसार इससे पहले शहरी कांग्रेस ने सफाई कर्मचारियों को भी माला पहनाकर व उनके उपयोगी सामान को देकर उन्हें आभार व्यक्त किया था और आने वाले समय में भी हम पुलिस व प्रशासन को भी इसी तरह से आम जनता व कांग्रेस पार्टी की तरफ से आभार व्यक्त करेंगे।